टाटा कंपनी कर्मियों की सुरक्षा के लाख दावे कर ले पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पिछले दिनों टाटा जामाडुबा 6-7 पिट कोलेरी में कार्य के दौरान माइनिंग सरदार शैलेंद्र शर्मा की मौत ने टाटा कंपनी के सारे सुरक्षा के पोल खोल कर रख दिए हैं। ये बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य वीरेंद्र निषाद ने पूर्व पार्षद मनोज साव के आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। वीरेंद्र निषाद ने कहा कि माइनिंग सरदार शैलेंद्र शर्मा की मौत ने टाटा कंपनी पर सवाल खड़े किए हैं। माइनिंग सरकार की मौत कैसे हुई, किस कारण हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जांच में जो भी टाटा कोलेरी कंपनी के अधिकारी हों उस पर 302 का मुकदमा दर्ज हो। पूर्व पार्षद मनोज साव ने कहा कि शैलेंद्र शर्मा की मौत कैसे और किस कारण हुई टाटा कंपनी के अधिकारी बताएं। मृतक के आश्रित के अनुसार मुआवजा और नियोजन मिलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मुद्दा मुख्य रूप से यही है हमारा कि टाटा कंपनी का एक कर्मी शैलेंद्र शर्मा जो माइनिंग सरदार था, उसकी मृत्यु कैसे हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और साथ ही साथ इस घटना के लिए जो जिम्मेवार पर्सन है। टाटा कंपनी सुरक्षा के बड़ी बड़ी दावे आज विश्व स्तर पर करती है कि हमारे यहाँ बहुत ही सुरक्षा है। इतना सुरक्षा के बावजूद उनकी मृत्यु कैसे हुई, यह एक जांच का विषय है। टाटा कंपनी की कहीं न कहीं इस घटना के पीछे उसके अधिकारी जिम्मेवार है, जिसके कारण इसकी मृत्यु ही नहीं हत्या हुई है। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस मृत्यु के पीछे जिम्मेवार अधिकारी है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो। 302 का मुकदमा दर्ज करने से पहला इस जांच में फायदा यह होगा कि अधिकारी अगर जेल चले जाएंगे तो यह जांच प्रभावित नहीं होगी। खास तौर पर देखा गया है कि किसी भी जांच को अगर निष्पक्ष रूप से जांच करना है तो उस घटना में जो शामिल लोग हैं उसको जेल जाना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में आपको एक घटना बता देता हूं कि आपका एरिया 8 में जब दोषी अधिकारियों पर केस हुआ था तो वह सीधा डायरेक्ट रूप से सीबीआई अधिकारी को पैसा देने का काम कर रहा था और सीबीआई अधिकारी इतना मजबूत अधिकारी था और ईमानदार अधिकारी था कि उन्होंने सीधा उनको जेल भेजा और फिर जांच का पर्दा खोला और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो शैलेंद्र शर्मा माइनिंग सरदार एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। माइनिंग सरदार कोई छोटा मोटा आम आदमी नहीं होता है, जनरल मजदूर आदमी नहीं होता। उसकी मृत्यु नहीं, उसकी हत्या हुई है और इस हत्या के लिए टाटा कंपनी के अधिकारी जिम्मेवार है और उस अधिकारी पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहला डिमांड हमारा ये है। दूसरा ये है कि जो यूनियन प्रतिनिधि जिसके लिए मजदूर अपना यूनियन प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसके लिए चंदा देते हैं, आज वह यूनियन प्रतिनिधि मजदूर हित की बात ना करके टाटा कंपनी की दलाली कर रही है, तो कहीं न कहीं मजदूर भी छले जा रहे हैं। ऐसे यूनियन प्रतिनिधियों को धक्का मार के निकाल देने का कार्य करना चाहिए मजदूरों को। जब कोई मजदूर की मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों के ऊपर क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है वह मजदूर ही जानता है। खास करके हम और आपके साथ भी अगर इस तरह की घटना हो, हमारे परिवार के पीछे के लोगों का क्या होगा, ये तो